हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र के बाद भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने रिवाज बदलने की कवायद के चलते प्रदेश की जनता के साथ कई नए वायदे किए हैं। डॉक्टर सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में 26 सदस्यों की टीम ने इस संकल्प पत्र को तैयार किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, जो भाजपा ने कहा वह तो किया ही, जो वादे नहीं किए उनको भी पूरा किया। भाजपा ने 2,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री आवास में 2,00,000 लोगों को घर बना कर दिए, आयुष्मान व हिम केयर, उज्ज्वला योजना, 125 यूनिट फ्री बिजली व महिलाओं को 50% छूट देने जैसे वादे नहीं किए थे उनको भी चरम सरकार ने पूरा किया गया। अब राज नहीं रिवाज बदलेंगे। एम्स, हाइड्रो इंजीनियरिंग, बल्क ट्रक पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, अटल टनल हिमाचल को दिए। कि जो हमने कहा था वो तो किया ही किया, जो नहीं कहा था उसे भी पूरा किया है, और उसके साथ साथ विकास के दृष्टि से एक नए आयाम को हम लोगों ने स्थापित किया है। जो वायदे किए थे वो तो पूरे किए ही किए, लेकिन बुलंद इरादों के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा की गई है। और इसीलिए जब मैं चर्चा करता हूं, जिसके बारे में अभी सिकंदर जी ने भी आपके सामने कहा, जो हमने कही थी और बहुत सी बातें ऐसी भी थी जो हमने नहीं कही थी। अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने कहा नहीं था कि हम लोगों को 2 वक्त की रोटी की मुनस्सर करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लगभग 28 लाख लोगों परिवारों को हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ जोड़ा। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत की तो हमारे ध्यान में आता है कि लगभग 1-2 लाख परिवारों को हमने स्वच्छता के साथ जोड़ा, इज्जत घर देने का प्रयास हुआ। अगर हम बात करें आवास योजना की तो मैं बार बार कहता हूँ, कल प्रधानमंत्री जी ने भी आंकड़े बता करके बताए थे आपके सामने, आज हम हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को पक्के घर दे रहे हैं। अगर हम सौभाग्य योजना की बात करें तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। और वो है कि यह संकल्प पत्र 11 कमिटमेंट्स के साथ खड़ा है। ये हमारी 11 कमिटमेंट्स है, डिटेल आपको मिलेगी, लेकिन हम आपके सामने 11 कमिटमेंट्स आपके सामने जरूर हम चर्चा करना चाहते हैं। पहली बात, ये 11 कमिटमेंट्स सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी लाएंगे। ये कमिटमेंट्स यूथ और हमारे फार्मर्स को एम्पावर करेंगे। ये कमिटमेंट्स हमारे हॉर्टिकल्चर को मजबूती प्रदान करेंगी। ये हमारे कमिटमेंट्स हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक तरीके से न्याय दिलाएगी, और ये हमारे कमिटमेंट्स कुल मिलाकर के एक रिलीजियस टूरिज्म को भी आगे बढ़ाएगी। और इसलिए मैं आपके सामने सबसे पहले जो संकल्प पत्र के 11 संकल्प के बिंदु हैं उनको आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सब कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी, और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की, और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। हमारी दूसरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि के तहत जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो राशि मिलती है उसके साथ साथ 3,000 रुपए सालाना ये उसमें जोड़ा जाएगा, और इसमें लगभग 9,83,000 हमारे किसान भाई जुड़ेंगे। अगर हम इसको ब्रॉड फिगर्स में कहें तो 10,00,000 किसान भाई इसमें जुड़ेंगे। हमारी तीसरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8,00,000 से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हिमाचल प्रदेश में फेज मैनर में बढ़ाएगी। इसमें सरकारी जॉब और हमारे जो
इकोनॉमिक जोन में काम हो रहे हैं उसके साथ मिला करके लगभग 8 लाख से ज्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। हमारी चौथी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि सभी विलेज, सभी गांव स्टेट के वह पक्के सड़कों के साथ जुड़ जाएंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अगले 5 सालों में, यानी ऑल वेदर रोड, और इसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का खर्च आने वाला है। हमारी पांचवी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रोग्राम लॉन्च करेगी शक्ति के नाम से, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए 10 सालों में खर्च होंगे टू डेवलप, विकसित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन, इसके डेवलपमेंट करने के लिए रिलीजियस प्लेसेस, टेंपल्स इसके इर्द गिर्द और इसके आसपास के डेवलप करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे शक्ति के नाम से, और इनको हिम तीर्थ के सर्किट से जोड़ा जाएगा और वेल कनेक्टेड बनाया जाएगा, इसका भी इसमें प्रयास होगा। हमारी छठी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीएसटी के पेमेंट में हमारे किसान भाई जो एप्पल के पैकेजिंग में मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वह 12% होगी, और उससे जो एडिशनल जीएसटी होगी उस पैकेजिंग की वह प्रदेश सरकार उसको वहन करेगी। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सेवों के साथ जाना जाता है, सेव की साथ उसकी पहचान है, और इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि पैकेजिंग के दृष्टि से जीएसटी 12% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो हिमाचल सरकार ने तय किया है और लगभग इससे 1,70,000 फार्मर्स को लाभ मिलेगा और 25 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगेगी, ऐसा अनुमान किया गया है। हमारी सातवीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 नए मेडिकल कॉलेजेस प्रदेश में खोलेगी। 5 हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से और प्राइमरी हेल्थ को और सुदृढ़ करने के लिए मोबाइल क्लिनिक वैंस जो है हर विधानसभा में दुगनी कर दी जाएगी, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य के दृष्टि से स्वास्थ्य उसके द्वार पहुंचे, इसको हम सुनिश्चित करेंगे और रेगुलर के हेल्थ चेकअप्स की व्यवस्था उसमें की जाएगी। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे नौजवानों के लिए हिम स्टार्टअप योजना चलाएगी, और इसमें एक कॉर्पस फंड ऑफ 900 करोड़ रुपीस का खड़ा किया जाएगा टू प्रमोट स्टार्टअप्स और हमारे युवाओं को स्टार्टअप में अपने साथ शामिल करने के लिए 900 करोड़ रुपीस का एक कॉर्पस खड़ा किया जाएगा। हमारी नौवीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा जो एक्स ग्राशिया अमाउंट पेमेंट होती है, जो हमारे सोल्जर भाई हैं जो शहीद हुए हैं और जो डिपेंडेंट्स हैं उनके जो उनको हम आर्थिक मदद देते हैं उसमें हम इजाफा करेंगे, उसको हम बढ़ाएंगे, और उनको हम हुतात्मा सम्मान राशि योजना जो है उसको हम उसमें हम बढ़ोतरी करेंगे। हमारी 10वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे करेगी और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसको एज पर लॉ एक जुडिशियल कमीशन के तहत इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और इनलीगल यूसेज जो है, जो गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस पर रोक लगेगी ऐसी प्रॉपर्टीज पर, इसके लिए भी हम काम करेंगे। हमारी 11वीं कमिटमेंट है कि हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनके जो रेम्यूनरेशन में डिस्क्रिपेंसीज है उसको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पूरी रिमूव कर देंगे, यह हमारी 11वीं कमिटमेंट है। इस तरीके से हमारे संकल्प पत्र के सभी विषयों के लिए 11 कमिटमेंट्स के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मैं यहाँ आपके सामने इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की शाखा ने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के बारे में
विशेष रूप से सोचा है। और हम यह भी आपको बताना चाहते हैं कि हमारा मानना है कि समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक परिवार सशक्तिकरण नहीं होगा। जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा तो आने वाली जनरेशंस का सशक्तिकरण नहीं होगा। और इसीलिए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के जीवन स्तर को और एम्पावरमेंट करने के लिए जो योजना लेकर के आए उन योजनाओं से महिलाओं की जिंदगी में मूलभूत परिवर्तन हुआ है और उसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे अगर हम आज बताएं तो एक समय था कि लगभग 11 से 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए, यानी एक देश की ऐसी भी स्थिति थी कि 12 करोड़ परिवार बिना इज्जत घर के थे। तो महिलाओं की डिग्निटी की क्या स्थिति थी? आज हम ये कह सकते हैं कि जब महिला सुबह उठती है तो इज्जत घर के कारण सबसे पहले उसका सशक्तिकरण होता है। जब महिला उठती है और किचन में जाती है तो लकड़ी के चूल्हे के बजाय वहां गैस का सिलेंडर होता है तो उससे उसका सशक्तिकरण होता है। जब महिला के बच्चे बच्चियां स्कूल जाती हैं और लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उनको सुरक्षा मिलती है और स्कूल में उसके लिए व्यवस्था होती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना बनती है, तो वह उनके परिवार को सशक्तिकरण करती है। जब हम हर घर नलका की बात करते हैं, हर घर जल की बात करते हैं, तो हम घरों में वॉशरूम बाथरूम इसकी भी हम व्यवस्था करते हैं। उसी तरीके से अगर हम अपॉर्चुनिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो आज डिफेंस सेक्टर हो या स्टार्टअप इंडिया हो, 81% ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। इसीलिए सुकन्या समृद्धि योजना हो चाहे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हो, ये सारी योजनाएं महिलाओं का सशक्तिकरण करती है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की मैं प्रदेश इकाई को बधाई भी देता हूं, साधुवाद भी देता हूं कि इन्होंने कहा कि एक संकल्प पत्र स्त्री के महिलाओं के नाम पर होगा, महिलाओं के लिए होगा। इसलिए स्त्री शक्ति संकल्प यह भी इन्होंने करने का प्रयास किया है और उसको रखने का प्रयास किया है और उसमें भी हमारी 11 कमिटमेंट्स हैं, हमारे 11 संकल्प हैं जिसको हम पूरा करेंगे। पहला संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत जो हम बीपीएल फैमिलीज को उनके विवाह के समय हम 31,000 देते हैं उसको हम एनहांस करके 51,000 रुपए कर रहे हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ध्यान में रखते हुए हर बेटी के लिए स्कूल जाने के लिए उसे एक बाइसिकल की व्यवस्था की जाएगी और जो ये 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक और जो आगे की स्टडीज परस्यू करेंगी उन बच्चियों के लिए स्कूटी की व्यवस्था की जाएगी और लगभग 8,00,000 बेटियां इसमें इसकी सुविधा को उपयोग कर सकेंगी और इसमें 500 करोड़ से अधिक की लागत आने वाली है जिसकी व्यवस्था की जाएगी और उसको बढ़ाया जाएगा। अगर मैं बात करूं भारतीय जनता तो हम ये एक 500 करोड़ का हम एक कॉर्पस फंड हम इस्टेब्लिश करेंगे जो महिलाओं को एंटरप्रेन्योर्स को सशक्तिकरण के लिए उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स देगा और इसके लिए एक कॉर्पस 500 करोड़ रुपए का खड़ा किया जाएगा। इसमें टोटल बेनिफिशियरीज लगभग 6,19,000 होंगे और इसकी भी कॉस्ट लगभग 500 करोड़ आएगी। यह जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी भी अपर लिमिट को इंक्रीज कर दिया जाएगा और उनका इंटरेस्ट रेट जो है उन लोन्स का 2% कम कर दिया जाएगा, यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। महिलाओं के लिए चौथी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक अमाउंट 25,000 का
सहयोग, वह जो हमारी प्रेग्नेंट मदर्स हैं और उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था की जाएगी, और इसमें लगभग बेनिफिशियरी जो है वो 2,84,000 होंगे और 4,82,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। मैं यहाँ आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी स्कीम पहले चल रही है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें जब कोई भी महिला कंसीव करती है उस समय से लेकर मंथली 9 तारीख को चेकअप से लेकर सभी तरीके के इनोक्यूलेशन के साथ उसकी फ्री इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और उसके लिए डिलीवरी के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना, डिलीवरी के बाद घर छोड़ना, कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो दोबारा एडमिट करना और फिर वो कॉम्प्लिकेशन को समाप्त करके घर छोड़ना, ये तो जुड़ा ही हुआ था। और इसके साथ प्रति माता को 6,000 रुपए दिए जाते थे, महिला सशक्तिकरण में जयराम जी की सरकार अब 25,000 रुपए उनको पहुंचाएगी और उसी तरीके से उसकी व्यवस्था करेगी। हमारी पांचवी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्री 3 एलपीजी सिलेंडर्स टू वुमेन फ्रॉम द पुअर हाउसहोल्ड्स, जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कंपोनेंट में आते हैं, उनको सालाना 3 एलपीजी गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे। ये हमारी पांचवी कमिटमेंट है। हमारी छठी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी जो पुअर फैमिलीज हैं उनको हम एनरोल करेंगे और 30 साल की उम्र से ऊपर उनको हम उन फैमिलीज को हम एनरोल करेंगे और उनको हम अटल पेंशन योजना के साथ जोड़ेंगे और उसके लिए भी 3,70,000 लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा और इसमें 89 करोड़ रुपीज खर्च होने वाले हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 5,000 महिला विद्यार्थी जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ेंगे और क्लास में 12वीं कक्षा में जो सबसे ऊपर आएंगे ऐसी विद्यार्थियों को 2,500 रुपए प्रति महीना स्कॉलरशिप दी जाएगी, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे ग्रेजुएशन तक। और हमारी आठवीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम सेटअप करेगी जिसमें हम प्रोक्योरमेंट और डिसबर्समेंट ऑफ फोडर फॉर द वुमेन स्टेट में फेयर प्राइस शॉप से हम करेंगे। इसको हम लोगों ने ये उत्तराखंड में इस योजना को लाया था, उससे हम लोगों ने बहुत सी चीजें उसमें से गुड प्रैक्टिसेस के रूप में सीखी है, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी नौवीं कमिटमेंट है कि हम स्त्री शक्ति कार्ड सभी महिलाओं को पहुंचाएंगे देंगे, जो हिम केयर में जो एलिमेंट्स महिलाओं की स्पेसिफिक जुड़ी हुई एलिमेंट्स उसमें कवर नहीं हुई है उसको कवर किया जाएगा इसमें, और उसके लिए हम उनको ये पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारी 10वीं कमिटमेंट है कि हम हर जिले में 2 गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे और जो बहनें जो बच्चियां हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहेंगी उनको हम वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 2 हम गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे ताकि वो अच्छी तरीके से पढ़ सके और उसमें हम काम कर सके। हमारी 11वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 33% की रिजर्वेशन महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं को देगी। मित्रों, यह हमारी स्त्री शक्ति की सबके प्रति संकल्प है जिसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहां एक बात आपको जरूर बोलना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी किया है। हमारे इरादे बुलंद हैं, हम प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं एंड ये जितनी भी बातें हमने कही हैं ये सभी एक सरकार चलाने वाली पार्टी जिम्मेदार तरीके से उनके सारे प्रोज एंड कॉन्स को सोचकर अपनी हिमाचल की जनता के सामने इसको रखने का प्रयास किया है। आप पत्रकार बंधुओं ने इन सारी बातों को सुना है, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने शांतिपूर्ण तरीके से